हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लिटरेचर डस्ट ऑफ स्नो। हमारे जो फर्स्ट पोइम है इंग्लिश लिटरेचर में जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन चलता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कौन है। अपनी पोइट्री के कारण इसने जो पुलित्जर जो प्राइज है वो गोल किया था। तो लेट्स स्टार्ट आवर पॉइंट डस्ट ऑफ स्नो। की जो डस्ट ऑफ स्नो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट पार्टिकल्स ऑफ आइस, डस्ट पार्टिकल। एंड स्नो मींस आइस, इट मींस द पार्टिकल्स ऑफ आइस बर्फ के कण। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो आपकी पोइम है डस्ट ऑफ स्नो ये किसके रिगार्डिंग है, पोइम इसमें क्या कहता है। द पोइम वाज इट सेड, जो पोइम है वो सैड मूड में था। ही वाज अंडर ए हेमलॉक ट्री, वो एक जो हेमलॉक ट्री है। व्हाट इज हेमलॉक ट्री? हेमलॉक कहते हैं हेमलॉक ट्री, अ प्लांट। कैसा प्लांट? पॉइजनस, अ पॉइजनस प्लांट। हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक पॉइजनस प्लांट, एक जहरीला जो वृक्ष है। ही वाज अंडर ए हेमलॉक ट्री, वे हेमलॉक के वृक्ष के नीचे था। द वेदर वाज वेरी कोल्ड, और जो वेदर का मौसम था वो बड़ा कोल्ड था, ठंडा था। इट हैज बीन स्नोइंग, और वहां पर जो बर्फ है वो पड़ रही थी। एक रोके एक कौवा आया एंड सैट ऑन द ट्री, और वो वृक्ष के ऊपर बैठ गया। ए शुक द डस्ट ऑफ स्नो, ए शुक, शुक का मीनिंग होता है हिला देना, मूव करना। उसने ए शुक द डस्ट ऑफ स्नो, उसने बर्फ के जो कण है उनको हिलाया। ऑन द पॉइंट, बर्फ पॉइंट के ऊपर उनको गिरा दिया। एज ए रिजल्ट, और जिसका जो परिणाम जो था, पॉइंट मूड चेंज, पॉइंट का जो मूड है वो चेंज हो गया। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम किसी वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पर जैसे ही जो कुछ समय पहले जो रेन है बारिश है वो आई हुई होती है, और हम उस वृक्ष को हिला देते हैं, जो पानी है वृक्षों के जो बूंदे हैं वो हमारे ऊपर गिर जाते हैं। इसी प्रकार पॉइंट के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे ही पॉइंट वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाता है, एक रोके एंड सूखता थी, एक कौवा आया और उसने वृक्ष को हिलाया। एंड द पार्टिसिपल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पॉइंट, उसी समय जो पोएट जो बर्फ के जो पार्टिसिपल्स हैं कण हैं वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। इन दैट कंडीशन द पोएट वाज इन सैड मूड, जो पोएट है वो एक सैड मूड में था। व्हेन द पार्टिसिपल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट हिज मूड चेंज, जब बर्फ के जो कण हैं वो पोएट के ऊपर गिरते हैं और उसका जो मूड है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दस ही स्टॉप थिंकिंग, उसने वो जो सोच विचार करना है वो बंद किया। दस द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, इस प्रकार जो बर्फ के कणों का गिरना प्रोवाइड टू बी समथिंग, वो क्या करता है, वो प्रूव टू बी समथिंग, वो कुछ साबित करता है, अच्छा महसूस करता है, गुड एंजॉयबल। नाउ द पोएट फील्स, अब कभी महसूस करता है that it has saved the rest of the day, कि अब उसका जो बाकी का जो दिन था वो बच गया। तो फ्रेंड्स, ये जो कि इसके रिगार्डिंग कुछ जो इसके बारे में जो समरी आती है, लेट्स स्टार्ट द स्टैंजा। इस पॉइंट के जो स्टैंजे में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या कहता है, इसमें द वे ए क्रो, द वे ए क्रो, क्रो मींस कौवा, कि एक जो कौवा है जिस तरीके से एक कौवा सुप डाउन होती, सुप हिला देना, मूव करना, उसने सुप डाउन को भी हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिए। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के जो कण हैं
कौवे ने क्या किया, क्रो ने क्या किया, वो आया और वृक्ष के ऊपर जो ट्री के ऊपर जो स्नो गिरी हुई थी पड़ी हुई थी उसने वृक्ष को गिलाया और वो गिलाने से जो वर्क जो कण है पार्टिसिपल जो आइस है वो मेरे ऊपर गिर गई। वो वृक्ष कौन सा था? तो है हेमलॉक ट्री। एक जो हेमलॉक ट्री को गिलाया वो वर्क के जो कण है मेरे ऊपर गिर गई। तो हेमलॉक ट्री कौन सा होता है? पॉइजनस प्लांट, एक जहरीला वृक्ष होता है। तो उसमें इसके अंदर जो राइम्स की बनती है का वे एक। अब ये राइम्स की क्या होती है? इसको कहा जाता है टुक बनती है, लयात्मक का। कुछ हमारी जो पोइम होती है वो फ्री वर्स होती है और ब्लैंक वर्स होती है। तो फ्री वर्स वो पोइम होती है जिसके अंदर राइम और रिदम का यूज नहीं होता, विदाउट एनी काइंड ऑफ राइम एंड रिदम। और जो ब्लैंक वर्स वो पोइम होती है जिसके अंदर राइम और रिदम का यूज किया जाता है। तो इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी जो राइम्स की वो बनती है। द क्रो, द वे ए क्रो, कि कौवा आया, सो डाउन ऑन मी। तो इसमें हमने देखना है कि जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं द वे ए क्रो, सो डाउन ऑन मी। The dust of smoke from a hemlock tree. अब जो राइट स्कीम है, राइट स्कीम में हमने सेंटेंस के जो लास्ट वर्ड होते हैं इसकी साउंड को देखना होता है कि अगर किसी भी लास्ट वर्ड की साउंड मिलती है, नॉट ए वर्ड ओनली साउंड, वो हमने यदि किसी की सेम साउंड है या तो हमारी राइम्स भी बनेगी ए ए बी बी या इसकी राइम्स भी बनेगी ए बी ए बी। तो इस प्रकार हमने कुछ सिंपल देने होते हैं सेम साउंड को। तो यहाँ पर है जैसे प्रो ओ की साउंड आई है तो हम इसको ए का सिंबल देंगे। यहाँ पर है ई बी, इसकी इसकी साउंड में डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर कहेंगे बी। अब स्नो जो फर्स्ट लाइन में ओ की साउंड है और सेकंड लाइन में भी ओ की साउंड है तो सेम साउंड को सेम मार्क्स देंगे हम ए। इसी प्रकार है टी, यहाँ पर भी क्या है इसकी टी की साउंड बनते हैं तो इस प्रकार से हम इसको भी ए का नंबर देंगे। तो व्हाट विल बी द राइम स्कीम इन दिस स्टेंजा, इसकी जो राइम स्कीम बनेगी वो बनेगी ए बी ए। तो आपके पास दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट विल बी द राइमिंग स्कीम इन दिस स्टेंजा, इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी, इसकी राइम स्कीम बनेगी ये इस प्रकार से। लेकिन क्वेश्चन आपके पास आ सकता है व्हाट विल बी द राइमिंग वर्ड इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा का जो राइमिंग वर्ड क्या है, कौन कौन से हैं राइमिंग वर्ड में, प्रो है, मी है, स्नो है और ट्री है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे प्रो स्नो मी और ट्री, तो ये इसकी राइम स्कीम बनेगी स्टेंजे की। अगर राइमिंग स्कीम का वो आता है तो इसको फॉलो करेंगे पैटर्न को, अगर राइमिंग वर्ड आता है तो आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो साथ ही साथ आपने स्टेंजे में से कुछ क्वेश्चन देख लेने हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ नेम द पोएम एंड द पोएम या पूछ द पोएम ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का पोएम कौन है एंड इट्स नेम एंड नेम ऑफ द पोएम। सो द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर आप ये इसका जो फुल नेम बनता है रॉबर्ट ले फ्रॉस्ट बनता है और एक अमेरिकन पोएटस है। तो पहला क्वेश्चन बनता है नेम द पोएम एंड द पोएम, द नेम ऑफ द पोएम पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री, व्हाट डिड द क्रो डू, क्रो ने क्या किया द हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक के वृक्ष का क्या किया, द इसने क्या किया द क्रो सुक द उस वृक्ष को हिला दिया, द क्रो सुक द हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट फेल, व्हाट फेल डाउन द पॉइंट, उसने क्या कर गिरा दिया द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पॉइंट। नेक्स्ट में है वेयर वाज द पॉइंट एट दैट टाइम,
उस समय जो कोई वो कहां पर था, अंडर ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। व्हाट इज द राइम्स के लिए स्टैंजा, इस स्टैंजे की जो राइम्स की क्या बनेगी, इस स्टैंजे की राइम्स की बनेगी ए बी ए। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड स्टैंजा। हैज गिवन माय गॉड ए चेंज ऑफ मूड दैट्स इट सम पार्ट ऑफ द डे आई गेट टू। तो इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट सेज दैट He has given my heart a change of mood. And save some part. And save some part of it. तो इस स्टैंजे में पॉइंट क्या कहता है, हैज गिवन माय हार्ट, कि जिसने मेरे दिल को क्या कर दिया, ए चेंज ऑफ मूड बदल दिया। पॉइंट कहता है कि उसने मेरे दिल को बदल दिया। एंड सेव्ड, सेव मींस बचा लेना, और बचाया सम पार्ट ऑफ इट, और दिल का जो कुछ जो भाग है वो उसने खराब होने से बचा लिया। कैसे, कि जो कोई एक वृक्ष के हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़ा था और वो एक गहन चिंतन के अंदर था और वो कोई भी काम नहीं कर रहा था, जिसे क्या होता है कि वो गहन चिंतन में था, सोच विचारों में था। एक रोगिन एक कौवा आया एंड फूड का ट्री और वृक्ष को मिलाया एंड द फेल डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पॉइंट, और जो बर्फ के जो कण है वो पॉइंट के ऊपर गिरे। एंड ही केम इन सेंसेस, और वो अपने होश में आया, ही स्टॉप थिंकिंग, उसने सोचना बंद कर दिया। तो यहाँ पर उस कंडीशन को बताया कि उसके होश में आने के बाद क्या होता है। Has given my heart, उसने मेरे हार्ट को क्या कर दिया, a change of mood, चेंजेस बदल देना, मेरे दिल को बदल दिया। एंड सेव को बताया सम पार्ट ऑफ इट, और मेरे दिल का कुछ जो भाग है वो खराब होने से बचा लिया। आई हैड ड्यूड, ड्यूड का मीनिंग होता है टू स्पॉइल, नष्ट कर देना, जो मैंने क्या कर दिया था, खराब कर दिया था, नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। तो यहाँ का रूल मीनिंग बनता है आपका, जो ड्यूड का मीनिंग है रिपीटेंस, रिपीटेंस पश्चाताप करना, खराब होना। तो वहां पर कहता है कि मेरा दिल का कुछ भाग खराब होने से बच गया। तो यहाँ पर इसके जो एक तो सेकंड इसके अंदर देखो, यहाँ पर किसी भी प्रिपरेशन का यूज नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। तो ऐसी कंडीशन को कहेंगे हम इंजमेंट। तो यहाँ पर इंजमेंट की ग्रोथ पीच का भी यूज किया गया है। तो जब किसी भी लाइन के अंत में कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना हो तो इंजमेंट क्वालिटी डिवाइसेज बनता है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, स्टेंजे में से, हाउ आर द पोएट्स, पोएट का जो मूड था वो कैसा था, व्हेन ही वाज अंडर ए ट्री, जब वे वृक्ष के नीचे था तो उसका जो मूड था वो कैसा था, द पोएट वाज इन अ सैड मूड, वो सैड मूड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैड चेंज्ड हिज मूड, द डस्ट ऑफ, किसने उसके मूड को चेंज कर दिया, द डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट में है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, जो पोएट जो डस्ट के जो कण वो पॉइंट के ऊपर गिरे, उसका क्या रिजल्ट था, इट सेव सम डेज फ्रॉम फर्दर सैडनेस। व्हाट विल बी द राइमिंग स्कीम इन दिस स्टैंजा, अब इसमें देखते हैं, हार्ट टैग की साउंड आई है ए, टैग की साउंड आई है बी, टैग की साउंड में टैग की साउंड को हमने नंबर दिया था ए, इसी प्रकार यहाँ पर डी की साउंड है, टैग की साउंड है, तो टैग को हमने मार्क्स किया था बी। तो यहाँ पर आपकी राइमिंग स्कीम बनेगी ए बी, तो आपका ये इसकी राइम्स की बात है। नेम द पोएम एंड द पोएट, व्हाट द नेम ऑफ द पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड पोएम द
डस्ट ऑफ द स्मोक। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं व्हाट विल बी द राइमिंग वर्ड इन दिस स्टैंजा, इसके जो राइमिंग वर्ड कौन-कौन से बनेंगे, हार्ट और पार्ट, हार्ट और पार्ट, इन मूव और ब्लू, तो ये बनेंगे इसके राइमिंग वर्ड और ये बनेंगे इसके राइमिंग स्कीम। फ्रेंड्स आई होप आपको जो ये पोइम है वो समझ में आई होगी। यदि इसमें से कोई डाउट है तो हम क्या करेंगे, जब भी आपका एक डाउट सेशन होगा उस डाउट सेशन में आपसे इसकी जो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी क्वेरीज होगी वो पूछी जाएगी, तो उसमें वो आप राइट करके रखें ताकि जब भी आपका लाइव सेशन हो आप उसमें प्रॉब्लम आपकी रख सकें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, वेयर वाज द बॉय, कभी कहां था, एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, आपने क्वेश्चन में वो लर्न करने हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द बॉय, कभी कहां पर था, व्हाट हैपेंड टू हिम, उसके साथ क्या हुआ, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द बॉय, कि जब बर्फ के जो कण है ये बॉय के ऊपर गिरे तो क्या हुआ, एंड माय थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज हैमलॉक ट्री, हैमलॉक ट्री क्या है, Why does not poet write about a more beautiful tree? तो poet ने एक more beautiful tree, एक सुंदर वृक्ष के बारे में यहाँ पर वर्णन क्यों नहीं किया? Such as a maple, or an oak, or a pine. जैसा कि इनका, तो जो hemlock tree है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जो hemlock tree है, ये poisonous है, poisonous tree है, और यहाँ पर poet ने एक तो हैमलॉक का यूज किया है और एक क्रो का यूज किया है। देखो क्रो क्या है, इसे अपशगुन माना जाता है, उन्नीस माना जाता है, तो ये दोनों क्रो और हैमलॉक ट्री ये अपशगुन के भी सिंबल है, प्रतीक के रूप में यहां इनका यूज किया गया है, पॉइजनस। सो आप इस पॉइंट को लर्न करें, रीड आउट करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है वो आपको डाउट क्लासेस में बता दी जाएगी।